कहते हैं कि प्रतिभा कभी किसी से छुपाए नहीं छिपती। गांव की माटी निकलकर देश का नाम रोशन करने वाली ऐसी ही एक प्रतिभा है नवदीप श्योराण। पेरिस पैरालंपिक में जेवेलिन थ्रो में देश की झोली में स्वर्ण पदक डालने वाला नवदीप मंगलवार को अपने पैतृक गांव बुआना लाखू पहुंचे। गांव वालों ने उनके स्वागत के लिए आंखें बिछा दी। इस दौरान जिस स्कूल में नवदीप ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की उसी यूनिक पब्लिक स्कूल में उनके स्वागत के लिए भव्य समारोह आयोजित किया गया। स्कूल में नवदीप और उनके कोचों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। आसपास के दर्जन और गांव के युवाओं ने उनके स्वागत के लिए एक बड़ी ट्रैक्टर रैली भी निकाली। इस दौरान नवदीप के स्वागत के लिए युवाओं में काफी जोश देखा गया। ट्रैक्टर रैली पुगथला चमराड़ा मांडी इसराना बांध शाहपुर होते हुए नवदीप के पैरक गाँव बुआना लाखू पहुंची। ग्राम पंचायत बुआना लाखू ने नवदीप के सम्मान के लिए समारोह आयोजित किया। इस दौरान नवदीप ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि गांव के साथ साथ मुझे पूरे देश से बहुत प्यार मिल रहा है। गांव वालों की खुशी मेरे लिए अमूल्य है। नवदीप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। गांव वालों की तरफ से काफी प्यार मिल रहा है और मैं उसको पाकर काफी खुश हूँ क्योंकि मेरे ऊपर पूरा गांव प्राउड कर रहा है, पूरा देश प्राउड कर रहा है और गांव काफी खुश है। जो खुशी की लहर गांव की मेरे मेडल से जो गांव की खुशी है वो मेरे लिए बहुत अमूल्य है, तो मैं खुश हूँ। गाँव वाले खुश हैं, मैं उनके साथ खुश हूँ। काफी उत्साहित हुआ था और मेरा मेडल आने के बाद मेरा पहला विचार दिमाग में यही था कि पीएम सर से मिलूंगा और वहाँ क्या क्या होगा, बट जो वहाँ हुआ वो मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, परंतु काफी खुशी है कि पीएम सर मेरे को इतने अच्छे तरीके से मिले और पूरी भारतीय टीम से उन्होंने संबोधित किया और प्रोत्साहन बढ़ाया और जिन्होंने मेडल जीता उसके साथ साथ जिन्होंने नहीं जीता दोनों को बधाइयाँ दी, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसे परफॉर्म करना या उधर के लिए सेलेक्ट होना आसान बात नहीं होती, इसलिए पीएम सर ने पूरी टीम को बधाई दी, तो काफी अच्छा लग रहा है। छोटे से गांव से, छोटे से स्कूल से इसको काम करके पहुंचे, किसको श्रेय देना चाहिए? श्रेय मैं, मेरा पूरा टीम रहेगा, मेरे कोच, मेरी फैमिली, मेरे परिवार वाले, मेरा पूरा स्टाफ, मेरा पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार, सबकी मदद की वजह से ही मैं वहाँ आज इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ, तो मैं धन्यवाद पूरी मेरी टीम को दूंगा जिन्होंने मेरे इस जर्नी में मेरी मदद किया, इस सफर में मेरा साथ दिया, मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। जब U20 में नीरज चोपड़ा भाई साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था तो तब मैं उनसे इंस्पायर होके मैंने जेवलिन फेंकने की सोची थी। आगे की प्लानिंग अच्छी रहेगी, क्यों नहीं करेंगे, अभी तो एक मेडल आए हैं, अभी भविष्य में और भी मेडल आएंगे। मैं थोड़े दिन देश के लिए गेम करूंगा, हाँ उम्मीद नहीं, मैं पूरा मेरा जोर लगाऊंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, दोबारा फिर देश का नाम रोशन करूंगा। आज बहुत खुशी की लहर है और मेरे बोलने की तो जरूरत नहीं, आप सब देख लो कैसा माहौल है, बहुत खुशी, बहुत खुश हूँ आज मैं। और जो बालक आदमी जो भी तन्ना देते थे नवदीप को बचपन में चिढ़ाते थे, नवदीप ने साबित करके दिखा दिया है कि कोई भी आदमी हाइट से छोटा नहीं होता, आदमी अपनी उपलब्धियों से बड़ा होता है, उसकी हाइट उपलब्धियों से होती है। मोदी का ने भी यह संदेश दिया है, मोदी जी ने भी, आदमी को उपलब्धि आदमी की पहचान बनाती है। नवदीप ने अपनी उपलब्धियों से हमारी भी पहचान बना दिया, आज मम्मी की भी इज्जत बना दिया, माँ बाप की, गांव की, पूरे देश की शान बना दिया। मैं सुनील तनवर, अभी जो पेरिस में पैरालंपिक हुए हैं नवदीप का कोच था, उसमें गोल्ड जीत के देश का नाम रोशन किया उसने, इसमें कोई दो राय नहीं। और एज ए कोच मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है क्योंकि मेरा तीसरा ओलंपिक था, इससे पहले दो ओलंपिक, रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में मेडल थे, ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में मेडल लगी है, तो बोला मैं अपने सर्वोच्च बयान नहीं कर सकता क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो भी मेरा
स्टूडेंट है, अभी नवदीप ने गोल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है पैरालंपिक, वो अपने आप में बड़ी खुशी है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और सबसे लास्ट इवेंट था हमारा और उसके टाइम अपने देश का राष्ट्रीय गान वहां पर बजना पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर, तो उससे ज्यादा गर्व की बात किसी के लिए नहीं हो सकती। हर हिंदुस्तानी के लिए मैं समझता हूँ इससे ज्यादा गर्व पर नहीं हो सकते। दिया है आपसे अनुरोध की अपनी नाम अपना स्थान। मेरा नाम सुनील तवर है, मेरी पोस्टिंग अभी गांधीनगर गुजरात में। और एक कोच के लिए इससे बड़ी बात होती नहीं कि उनके जो स्टूडेंट जो है देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते और पूरे गांव वालों के लिए सभी के लिए खुशी आज आपको दिखाई दे रखे, सारे लोग शामिल हो रखे हैं। ऐसे हर गांव में मतलब बच्चे जो मेडल देते तो हर गांव को ओलंपिक के लिए और देश के लिए बड़े गौरवान्वित विषय है ये। और मैं तो चाहता हूं कि जो बच्चे हैं इसको देखते हुए वो भी जो है ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक मेडल जिताए। बहुत बड़ा सम्मान समारोह। हाँ आज मैं तो आर्मी से हूँ, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट से, और वैसे कर्नाटका से हूँ तो हमारी तरफ इतना नहीं है जिस तरीके से हरियाणा में हो रहा है। मैं तो जब भी जहाँ भी जाता हूँ तो हम हरियाणा का एक नाम लेता रहता है कि हरियाणा में इस तरीके से स्पोर्ट्स के लिए मतलब सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से हर एक देश के हर एक कोने से सपोर्ट मिला तो हमारा देश दुनिया में नंबर वन होगा और ओलंपिक में हमारे नंबर वन रहेंगे। जिस हरियाणा में के लोग सपोर्ट करते हैं, यहाँ के जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वैसे हर गांव में इस तरीके से सपोर्ट होने से बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम काशीनाथ है और मैं पहले नीरज को भी कोच रहा हूँ और नवदीप को भी कोच हूँ। मेरा नाम संदीप चौधरी है, मैं नवदीप का सीनियर रहा हूँ और नवदीप के स्टार्टिंग करियर से अब तक उसके एज ए गाइडेंस मैंने काम किया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि भाई जो बच्चा मेरे साथ स्टार्टिंग से आया और आज उसने धरती का सबसे बड़ा मेडल हासिल किया है तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। और इनके पेरेंट्स को भी धन्यवाद कि उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, तो आज उनका ट्रस्ट एक अच्छे पॉजिटिव वे में उनके परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए, सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि उसने विदेश की धरती पे हमारे देश का परचम लहराया है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो अभी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आगे अभी और भी कुछ बातें और भी अच्छा करें। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।